तरह से आपका जो पिताजी का खून हुआ है वहाँ पर बुलंदशहर आने से, आप इसके बारे में क्या बताना चाहेंगे? सर, ये सोसाइटी के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान है, क्योंकि जिस तरीके से ये संयोजित किया गया था एक क्राइम, ये जिस तरीके से एक क्राइम संयोजित किया गया था, ये बहुत दुख भरा है। क्योंकि पुलिस आपकी मदद के लिए होती है, ना कि आप पुलिस को अपने हद पे चढ़ा लो। मतलब हम जिस तरीके से गोली मारने के बाद भी पत्थर बजा मारे और कुल्हाड़ी से वार, पापा का अंगूठा कटा हुआ है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से 25 चोटों के निशान हैं। कौन करता है, ये कैसे करता है, समझ नहीं आ रहा। अच्छा सर, आपने अपनी बातचीत में कहा था वो जो आरोपी है वीडियो रिलीज कर रहे हैं, उसी तरह जैसे आतंकवादी दूसरे देश में बैठ के करते हैं, हम निर्दोष हैं, हम आतंकवादी नहीं, इसको आप एक बार बताएं ठीक से क्या? नहीं सर, मैं इस रेफरेंस पे नहीं, मैं बस ये बताना चाहता हूँ कि अगर कोई निर्दोष होता है तो घर में छुप के वीडियो रिलीज नहीं करता है, वो पुलिस के साथ आके इस कार्रवाई में मदद करता है। अगर आपको लगता है आप इन्वॉल्व नहीं हो तो आप कार्रवाई में आके मदद करो, क्योंकि अगर इस कार्रवाई से भाग के कोई व्यक्ति जो इसमें इन्वॉल्व भाग रहा है, वो पूरा हकदार है उस व्यक्ति के साथ जुड़ने का जो जिसने करा है। ये मतलब जो भीड़ है, मतलब ये हमारा ही सोसाइटी से ही बिलोंग करती है, और ये जो सोसाइटी में हम रहते उसी सोसाइटी में वो रहते हैं, तो ये क्या उनको ऐसा क्या, मतलब उनके दिमाग में ऐसा क्या आता है कि वो भीड़ हाथ में पत्थर ले लेते हैं, चाकू ले लेते हैं, किसी पे भी अटैक कर देंगे। अगर आपको किसी बात से दिक्कत है तो आप उसको, बात को रखने के भी हजार तरीके होते हैं, आप हाथ में पत्थर और चाकू लेना हजार तरीकों में नहीं आता है। नहीं वो सर, हिंदू तो मैं भी हूँ, मैं भी गौ माता की पूजा करता हूँ, रोटी खिलाता हूँ, लेकिन मैं किसी को अपने हाथ में पत्थर लेके उसकी जान नहीं ले सकता, मैं ये मेरे अंदर है ही नहीं। अगर मैं किसी को पत्थर से मार दूँ, चाकू से मार दूँ, ये मैं सोच भी नहीं सकता। उस वक्त इतने लोग वीडियो बना रहे थे, किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो एम्बुलेंस को कॉल कर ले। मतलब अगर आप में इतनी भी मानवता नहीं है क्या? जिस तरह से आप कल की जो एक इवेंट हुआ है राजस्थान में, जिस तरह से पुलिस का कांस्टेबल का हुआ है, तो जिस तरह से हर टाइम जो है एक भीड़ आके जो अटैक कर रहे हैं, आप इसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? कहां भी एक ये वो मतलब ये मैं बस यही बताना चाहता हूँ कि जिस तरीके से ये इंसिडेंट हो रहे हैं, ये बस यही दर्शा रहे हैं कि कुछ ऐसे तत्व हैं सोसाइटी में जो अपने आप को कानून से ऊपर समझते हैं। एक कानून ऐसा आ जाए और ये अपने आप शांत बैठ जाएंगे सब। ऐसे जो ये व्यक्ति हैं जो ये समझते हैं कि वो भीड़ के तरीके, भीड़ की मदद से अपनी बात को कहीं रख सकते हैं, तो गलत है। अगर हाथ में पत्थर और चाकू लेके आप किसी के सामने रख देंगे, तो आप अपनी बात नहीं रख रहे हैं, आप उसे धमका और डरा रहे हैं। सर, जब तक ये मतलब मैं यही मानता था कि जब तक किसी की उंगली नहीं कटती तो दर्द किसी और को महसूस नहीं होता है। आज जब मेरी उंगली कटी है, मेरे परिवार की उंगली कटी है, तो मुझे महसूस हो रहा है दर्द। मैं ये सोच नहीं सकता ये किसी व्यक्ति से, किसी संगठन से जुड़ा है। ये जो लोग हैं वो हम में ही हैं, हमसे ही हैं। उन लोगों पे ये बात, ये सवाल उन लोगों से ये सवाल उठाना चाहिए। बिल्कुल सर, ये मेरी सेकेंड मोस्ट प्रायोरिटी, फर्स्ट मोस्ट प्रायोरिटी मेरे फादर को इंसाफ मिलना चाहिए इसके लिए। जिस तरह से कुछ बात अभी आ रही है, सुबोध कुमार जो है वो खुद अपने, मतलब खुद अपने को गोली किया था, इसके बारे में ये मतलब ये जो भी लोग बोल रहे हैं, उन्होंने ये बताया था कि शोल्डर से बाउंस करके गोली लग जाती है, बास्केटबॉल थोड़ी है गोली। आप गोली को अगर छू के जाती, मेरे पिताजी को 2 बार पहले लग चुकी है, हमें पता है कैसा महसूस होता है, ये 3री बार हुआ है। अगर कोई व्यक्ति, कोई भी जो व्यक्ति है, कोई भी लोग हैं इस बात का मजाक उड़ा रहे हैं, तो ये दुख पहुंचता है। कभी कभी ये भी बात सामने आ रही है कि काउंसलर जो है उनका पहले नहीं होना चाहिए, उसके बाद जो है सुबोध कुमार का होगा, तो आप इसके बारे में क्या? सर, मेरा तो यही डिमांड स्टार्टिंग से रही है कि मेरे फादर को इंसाफ मिलना चाहिए, काउ स्लॉटर पे भी प्रोब होना चाहिए, पता करना चाहिए कि इस पीछे ये जो षड्यंत्र है, इसके पीछे किसका हाथ है, क्योंकि उस वजह से ये काम शुरू हुआ। लेकिन अगर किसी व्यक्ति की भी जान जा रही है तो वो भी इक्वली इम्पोर्टेंट है। मेरी तो शुरू से यही मांग रही है कि जो इसमें इन्वॉल्व है उसको
बहुत कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि उसको हर व्यक्ति को पता चलना चाहिए कि अगर आपने किसी निर्दोष व्यक्ति की जान अपने जान ली है और उसका खून आपके हाथ में है, तो आपको सजा मिलेगी।